कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे हम वॉच करते रहते हैं एंड उसे ही मॉनिटरिंग कहते हैं

कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ओवर लुकिंग ए हेल्थ एक्टिविटी इन ए प्रोग्राम तो कैसे एक प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है उसको देखते रहने को हम क्या कहते हैं मॉनिटरिंग कहते हैं बट सर्विलेंस इज ए कंटिन्यूसूटनी ऑफ ऑल फैक्टर्स कंटिन्यूस इस्क्रूटनी ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग ए डिजीज विथ अटेंशन ऑथोरिटी एंड सस्पिशन सी स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है स्क्रूटनी मीन्स क्लोज ऑब्जर्वेशन तो कैसे एक डिजीज कम या ज़्यादा हो रही है क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं इसको हम सर्विलेंस कहते हैं ओके सी मॉनिटरिंग में देयर इज़ नो इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट कोई भी इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट नहीं होता है मॉनिटरिंग में बट इन द सर्विलेंस देयर इज एन इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट ओके तो सर्विलेंस में इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है इट मीन्स मॉनिटरिंग करते हुए इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम उसे सॉल्व करने का कोई प्लान बनाते हैं मॉनिटरी में बट सर्विलेंस में पहले से ही ये प्लान बना होता है तो हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है सर्विलेंस में एंड उसमें इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट पहले से ही डिफाइंड होता है कि हमें क्या करना है सो मोनिटरिंग इज वन टाइम लीनियर एक्टिविटी वन टाइम लिनियर एक्टिविटी और प्रोसेस बट सर्विलेंस इज ए नॉन स्टॉप साइक्लिकल कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यू टू दिस रीजन इफ कोई डिजीज इलिमिनेट या इरेडिकेट हो जाए तो हम मॉनिटरिंग को स्टॉप कर देते हैं बट इरेडिकेशन या इलिमिनेशन के बाद भी सर्विलेंस जो है ना हमारी वो चलती रहती है सो सर्विलेंस इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस एंड इट्स ए साइक्लिकल प्रोसेस मॉनिटरिंग इज ए स्मॉलर कन्सेप्ट मॉनिटरिंग क्या एक छोटा कॉन्सेप्ट है देर इज नो फीडबैक इन मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग में कोई फीडबैक नहीं होता बट सर्विलेंस इज ए ब्रॉडर कन्सेप्ट सर्विलेंस एक क्या है ब्रॉडर कंसेप्ट है एंड देर इज ए फीडबैक इन और सर्विलेंस में क्या होता है फीडबैक प्रजेंट होता है नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ सर्विलेंस सो इन आवर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर सर्विलेंस हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में तीन टाइप के मेजर सर्विलेंस होते हैं देट इज पैसिव सर्विलेंस एक्टिव सर्विलेंस एंड थर्ड है सेंटिनल सर्विलेंस सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ दिज थ्री टाइप ऑफ सर्विलेंसिव सो लेट्स स्टार्ट विदिव सर्विलेंस वन पेशेंट कम्स ऑन हिज ऑन जब पेशेंट खुद से चल के आता है टू द हेल्थ सिस्टम हेल्थ सिस्टम के पास तो सपोज़ इफ़ किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है या फिर फीवर हुआ और वो खुद से आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया तो इसे हम कहते हैं पैसिव सर्विलेंस सी इनफैक्ट आपके इंडियन हेल्थ केयर प्रोग्राम को देखते हैं तो हम सेफली से कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन हेल्थ प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन पैसिव सर्विलेंस अप्रॉक्स एटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ डिजीज सर्विलेंस इन इंडिया इज पैसिव तो एटी टू नाइन्टी परसेंट जो डिजीज़ का सर्विलेंस होता है वो पैसिव होता है मीन्स पेशेंट जो है वो बीमार पड़ते हैं वो खुद से आते हैं ओके सी एक्टिव सर्विलेंस तो इट इज डिफाइंड एज हेल्थ सिस्टम गोज टू कम्युनिटी टू सर्च फॉर केसेज मींस इसमें क्या होता है कि हेल्थ सिस्टम कम्युनिटी में जाता है इन द सर्च ऑफ केसेज मींस कोई केसेज को सर्च करने के लिए तो जो केसेज हमारे पास नहीं आ रहे हैं उनको भी तो खोजना जरूरी है ना तभी तो हम उन्हें क्योर कर सकेंगे और डिजीज का स्प्रेड रोक सकेंगे सी तो एट टू टेन परसेंट ऑफ डिजीज सर्विलेंस इन इंडिया इज एक्टिव एट टू टेन परसेंट इस डिजीज का सर्विलेंस जो इंडिया में है वो एक्टिव सर्विलेंस होता है सो इट इज सीन इन फोर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो एक्टिव सर्विलेंस होता है वो चार नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में देखा जाता है एंड वो है मलेरिया पोलियो टी एंड कालाजर ओके तो मलेरिया प्रोग्राम में एक्टिव सर्विलेंस इज डन बाय मल्टीपर्पस वर्कर मलेरिया प्रोग्राम में जो एक्टिव सर्विलेंस होता है वो मल्टीपर्पस वर्कर के द्वारा किया जाता है मल्टीपर्पस वर्कर वी मेल के द्वारा ओके okay? तो ही हैज विजिट ऑल हाउसेज इन हीज एरिया उसे अपने एरिया के सारे हाउसेज विज़िट करना होता है इन द लास्ट फोर्टीन डेज वंस एवरी फोर्थ नाइट उसे हर चौदह दिन पर यानी फोर्थ नाइट मीन्स चौदह दिन हर टू वीक पे एक बार उसे जाना होता है अपने एरिया में टू चेक फॉर एनी फीवर केसेस कोई भी फीवर के केसेस को चेक करने के लिए इफ़ यू फाइंड ए केस ऑफ फीवर अगर उसे कोई फीवर का केस मिलता है ही विल प्रिपेयर ए स्लाइड वो एक स्लाइड प्रिपेयर करता है एंड सेंड इट टू देंटर फॉर डायग्नोसिस और वो इसे डायग्नोसिस के लिए सेंटर पे भेजता है सो so, जो भी मल्टीपर्पज वर्कर को मल्टीपर्पज वर्कर मेल को केसेस फीवर का मिलता है उसके ब्लड और पेरिफेरल इसमें ब्लड का पेरिफेरल एसमियर बनाता है और उसे हेल्थ सेंटर पर डायग्नोसिस के लिए भेजता है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है इसमें कि ये तो एक्टिव सर्विलेंस जो होता है मलेरिया का वो कौन करता है मल्टीपर्पज वर्कर एंड कितनी बार करता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वंस एवरी फोर्थ नाइट मीन्स हर टू वीक में एक बार इसी तरह से पोलियो में एक्टिव सर्विलेंस करता है एस एम डी एस एम डी मीन्स हो गया सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर ओके okay. तो उस एस एम ओ सॉरी ये मिस्टेक है एस एम ओ तो उसके एरिया में कोई भी केसेस रिपोर्ट हो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का तो एस एम ओ सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर जो है ना वो उस पेशेंट के घर जाएगा उसका स्टूल सैंपल कलेक्ट करेगा और उस स्टूल सैंपल को डायग्नोसिस के लिए टरी में सेंड करेगा ओके सो पोलियो की एक्टिव सर्विलेंस का दूसरा नाम है ए सर्विलेंस एंड ए सर्विलेंस मीन एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस जो कि फिफ्टीन ईयर से कम के बच्चों की की जाती है बिकॉज पोलियो जो है फिफ्टीन ईयर से कम के बच्चों को ही अफेक्ट करता है इसी तरह से ट्यूबर जो है आर प्रोग्राम में ट्यूबर का जो सर्विलेंस होता है वो आशा वर्कर के द्वारा किया जाता है ओके okay? बट आप कालाजार को देखो तो कालाजार में भी हाउस टू हाउस विजिट करके इसका सर्विलेंस किया जाता है सो so, इफ आप ध्यान से देखो तो एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस से अप्रॉक्स ऑल केस लोड जो है ना वो पता चल जाता है क्योंकि जो पैसिव सर्विलेंस है उससे पता चलता है नाइनटी परसेंट एटी टू नाइनटी परसेंट एंड जो एक्टिव सर्विलेंस है एक्टिव सर्विलेंस से पता चलता है एट टू टेन में तो नाइन्टी परसेंट और एट टू टेन परसेंट सारे केसेस कवर हो गए तो हम फिर सेंटिनल सर्विलेंस जो है ना वो आखिर करते क्यों इसका क्या रोल है तो सेंटिनल सर्विलेंस इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन और, और मिस्ड केसेस मीनस वो केसेस जो आपसे एक्यूट एंड पैसिव सर्विलेंस में भी मिस हो जाते हैं उसे हम सेंटिनल सर्विलेंस से फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें कम्युनिटी में एक्चुअल और टोटल केस रोड पता चल सके तो वैसे तो सेंटिनल सर्विलेंस जो है ना कई सारे डिजीज के लिए करते हैं बट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यह एच के लिए किया जाता है ठीक है तो एच के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विलेंस है वो कौन सा है सेंटिनल सर्विलेंस है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में तो सेंटिनल सर्विलेंस के लिए कुछ सेंटिनल साइट्स बनाए गए हैं जहाँ पे एच की टेस्टिंग की जाती है उस ब्लड सैंपल में जिसे पीपल ने अदर किसी पर्पज के लिए दिया है सपोज जैसे कि जो थ्री सेंटर है वो पहले मैं बता देती हूँ कि जो थ्री सेंटर है वो है एंटी क्लिनिक्स एंटीनेटल क्लिनिक्स एच टी डी क्लिनिक्स एंड इन द ब्लड बैंक तो एंटी नेटल क्लिनिक में जहाँ पे कोई फ़ीमेल आती है प्रेगनेंसी में टेस्ट वगैरह कराने तो उस टाइम में हम एच आई वी का भी टेस्ट करते हैं एंड एच टी डी क्लिनिक में अगर किसी गनोरिया का ही सपोज कोई ट्रीटमेंट कराने आता है तो वहाँ पर भी हम उसका एच आई वी टेस्ट करते हैं एंड ब्लड ब्लड बैंक जहाँ पे ब्लड uh, ट्रांसफ्यूजन के लिए दिया जाता है तो वहाँ पे भी ब्लड में कई सारे टेस्ट होते हैं uh, जैसे हेपेटाइटिस बी का होता है एच का होता है ओके okay? तो ये तीन जो सेंटर है तीन जो साइट्स हैं वहाँ पे हम एच का जो सर्विलेंस होता है वो करते हैं ओके सो इफ यू हैम नॉट सब्सक्राइब माई चैनल याट देन काइंडली डू सब्सक्राइब विट गाइज एंड क्लिक ऑन द वेलाइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो ओके थैंक यू